ग्रामीण ओलंपिक के खेल ओलंपिक का अवसर लाओ, खेले सब मिलकर स्नेह प्रेम और खेल भावना फिर विकसाए सब मिलकर। ओ हो आयो ग्रामीण, आयो ग्रामीण अपना प्यारा तेजी से वो चलेंगे, उसके आगे ब्लैक होल्डर और ब्लैक होल्डर के ये ब्लैक होल्डर है। वो एक बार शारीरिक शिक्षक बता रहे हैं तीनों ध्वज होल्डर आ जाए इनके पास। आयो ग्रामीण, आयो ग्रामीण स्टेडियम प्रांगण में जो सामने तीनों क्लस्टर के काउंटर बने हुए हैं वहां आप जाएं और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहां करवाएं वापस, क्योंकि आपकी ये ऑनलाइन शपथ नहीं हुई है। तो आप तीनों क्लस्टर की टीम मुख्य अतिथि महोदय के आगमन के साथ में हो चुका है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री माननीय पोखरियाल जी पारस सर पधार चुके हैं। आप गांधी ग्रामीण एमसीसी प्रभारी उनके साथ रहे, बाकी साइड में आ जाए। आइए, वो घड़ी आ चुकी है जिनका हम इंतजार कर रहे थे। पिछली बार एक शानदार तरीके से जिस प्रकार से इस राजीव इसका आयोजन हो रहा है और आज जिसका शुभारंभ इस बार इसमें शहरी ओलंपिक खेलों को भी जोड़ दिया गया है, ये बहुत ही शानदार हमारे शहर के खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है। उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम और ऐसे बढ़िया वातावरण के अंदर इस कार्यक्रम का शुभारम्भ होने जा रहा है। मैं सीधे हमारे संजय जी वासु साहब सीओ साहब से भी निवेदन करूंगा, आप भी पधारे। एडीएम साहब शैलेंद्र सिंह जी आप भी पधारे। मंजू जी मेघवाल, भंवरलाल जी मेघवाल, तमाम सब मिलकर के इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ मां सरस्वती की आराधना करने के साथ में कि जिस परम पावन पवित्र उद्देश्य से यह ओलंपिक खेल होने जा रहा है उस ओलंपिक खेलों के अंदर हमारे तमाम खिलाड़ियों को आशीर्वाद रहे, उनको अपने दमखम का परिचय देने में किसी प्रकार से तकलीफ नहीं हो और चार दिन निर्विघ्न रूप से यह कार्यक्रम संपन्न हो ऐसी कामना करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के सहयोग दे रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय निशांत जी जैन साहब, जिला पुलिस अधीक्षक महोदया मोनिका जी सेन, मंजू जी मेघवाल, भंवर जी मेघवाल, मां सरस्वती से आराधना की। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष स्वागत करें श्रीमान पोखरियाल जी पारस सर साहब।
तो आइए हमारे चीफ गेस्ट को स्वागत करें, अभिनंदन करें, तालियों के साथ में हम सहयोग करें। बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर है, राजस्थान भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसी का साल से निवेदन और वो स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं हमारे जिला कलेक्टर श्रीमान निशांत जी जैन का, उनका स्वागत करें। आनंद सिंह जी राठौर साहब, माला साहबा पहना करके जुल्फकार अली जी भुट्टो का स्वागत अभिनंदन। पद्मा जी से निवेदन करें, अभिनंदन करें। आइए हमारे बीच में श्रीमान करें, अभिनंदन करें। जोशी उपस्थित है, उनके पहले हमारे बीच में एसपी साहिबा मोनिका जी सैन पधार चुकी हैं, उनका शॉल लौटा करके माला पहना करके सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, इस स्वर्णगिरी की छटा के बीच में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, बनकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिला क्रीड़ा परिषद के सदस्य हमारे बीच में हैं, उनका माला पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिला क्रीड़ा परिषद की सदस्य सुष्मिता जी गर्ग भी उपस्थित, निवेदन कर रहा हूँ कि आप पधारे और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माल्यार्पण। हमारे बीच में श्रीमान पुखराज जी मेघवाल की उपस्थित हैं, जिला मैं रमेश जी खोरवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिला क्रीड़ा परिषद सदस्य उनका श्रीराम गोदारिया जी से निवेदन करूंगा। तालियों के साथ हम सहयोग करें। हमारे बीच में श्रीमान महेंद्र जी सोनग्रा भी उपस्थित, महेंद्र जी सोनग्रा साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्रीमान बसंत जी सुधार पदार्थ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौर की छात्राओं से कि वो पधारें और तमाम हमारे अतिथियों के स्वागत में एक स्वागत गीत प्रस्तुत करें। हमारे बीच में राजकीय स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। खेल की
बीच में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्ष जन अभियोग निराकरण समिति श्रीमान गुप्ताजी भारसर साहब, जिला कलेक्टर महोदय, आदरणीय श्री भवनलाल जी उपाध्यक्ष कार्यक्रम, मंजू जी पूर्व जिला प्रमुख, सवाराम जी पटेल साहब, समस्त मंचासीन जनप्रतिनिधिगण, एसपी साहब, समस्त अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीगण और मीडिया के सभी साथियों, मैं आज इस शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक जो कि पूरे राजस्थान में एक साथ आज दिन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को उचित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की बिंदु संख्या 43 की अनुपालना में ग्राम और शहरी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें आगे लाना, ग्रामीण क्षेत्र में परस्पर सौहार्द का खेलों का वातावरण तैयार करना, इस मंशा के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा पिछले वर्ष ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की गई थी और जिला स्तर पर हमने भी जालौर में राज्य की तर्ज पर यहाँ पर इसी स्टेडियम में पिछले साल ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ किया था। इस बार के ग्रामीण ओलंपिक में जब ग्रामीण क्षेत्रों में ओलंपिक में बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया, उसकी सफलता को देखते हुए इस बार शहरी क्षेत्र में भी शहरी ओलंपिक प्रारंभ करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। इस संबंध में जालौर जिले की अगर बात करें तो जिले को ग्रामीण ओलंपिक के लिए 70,000 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उसके बड़ी खुशी की बात है जिले के लिए कि उसके अगेंस्ट में 1,01,042 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण क्षेत्र में जालौर जिले में लगातार मॉनिटरिंग के बाद ये हमें सफलता मिली गया कि रजिस्ट्रेशन में पहले प्रयास में ही सफल हो पाए। उसके साथ ही शहरी क्षेत्र में भी पंजीकृत 29,278 खिलाड़ियों को रहा। इस प्रकार 1,30,320 खिलाड़ियों ने जिले में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना पंजीकरण कराया। ये इस बात को इंगित करता है कि जिले में खेलों के प्रचार प्रसार के प्रति और लोगों में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है। इस प्रतियोगिता में जैसा कि दो इसके भाग हैं, ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक, पिछली बार का जो अनुभव था उसमें जालौर जिले की बहुत ही अच्छा परचम लहराया था। जिन कुछ जिलों में बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजन हुए थे उनमें जालौर जिला सिरमौर था और यहाँ की धोती कुर्ता की जो टीम थी उसने राज्य स्तर पर भी अपना नाम बनाया था और उसके बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रचारित हुए थे जिस पर राज्य सरकार ने शाबाशी भी प्रदान की थी। आज के इस आयोजन में जो टीमें भाग ले रही है वो ग्रामीण क्षेत्र में 9,461 टीमें पूरे जिले में भाग लेगी और शहरी क्षेत्र में 3,192। इस प्रकार 12,653 टीमों का गठन हुआ है। ये ओलंपिक जो कार्यक्रम है वो विभिन्न स्पर्धाओं से होते हुए ग्रामीण पंचायत स्तर पर पहले प्रारंभ होंगे। जिले में 306 ग्राम पंचायतें जो है उन्हीं में सब में एक साथ आज ये ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ किया जा रहा है और साथ ही 4 नगर पालिकाओं में 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद इनमें भी समानांतर रूप से ये कार्यक्रम आज जो है प्रारंभ हो रहे हैं। पंचायत लेवल और नगर पालिकाओं के लेवल के कार्यक्रम के बाद ब्लॉक स्तर पर हमारे जिले के खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए राज्य स्तर पर टीमों को पहुंचाया था और वहां भी सफलता प्राप्त की थी। आशा है कि इस बार उससे भी ज्यादा सफलता मिलने का विश्वास है और इस कार्यक्रम में जैसे कि राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के खेलों का आयोजन अवसर मिलेगा, मंच मिलेगा और प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र से छोटे छोटे एरिया से आगे आएगी। खेलों की दृष्टि में ये जो प्रयास है इसके दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जालौर जिले में इस बार भी अच्छे से आयोजन होंगे, अच्छे से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी विभाग, खेल विभाग, शिक्षा विभाग, सभी विभाग जिला प्रशासन के नेतृत्व में अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजित करवाएंगे। जनता से जनप्रतिनिधियों का हमें निश्चित रूप से पूर्व में भी सहयोग मिला था, इस संदर्भ में सहयोग मिल रहा है का जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार के इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है, सफलता प्रदान की है, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। तो इस प्रकार से ध्वजारोहण सभी खिलाड़ी एक साथ खड़े हो मुख्य अतिथि महोदय ध्वजारोहण करके इसका विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो एक बार पुनः। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट। अब मैं अर्जुन सिंह जी देलद्री, तमाम जो इसमें क्लस्टर टीमें भाग ले रही है वो अभिमुख प्रयाण के लिए कमिटेड
की थाल में बाएं से आगे बढ़ेंगे। तेज चल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 जालौर शहर के सभी खिलाड़ी अभिमुख पैंड हमारे आज के अतिथि एसपी महोदय आपके सामने से ये खिलाड़ी अभी को प्रयाण करते हुए ये सारे के सारे पंजीकृत खिलाड़ी इस शहर के हैं। इन सबका रजिस्ट्रेशन है और ये सारे खिलाड़ी हैं। कोई कबड्डी में है, कोई खो खो में है, कोई स्पोर्ट्स में है। बड़े जोश के साथ में अपने खेल प्रदर्शन का 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक प्रदर्शन करेंगे। गत वर्ष भी जालौर जिले की जिसका जिक्र अभी किया गया और जिसने नागौर की टीम को हरा करके राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया था, एक बार मैं पुनः ये आग्रह करूंगा कि एक बार खिलाड़ियों का जोश बढ़ाए। ये वो खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं राजस्थान के उस SMS स्टेडियम में अपना प्रदर्शन श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, जिनको देख करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हंसमुख हो जाते हैं, चेहरा खिल जाता है इनका। और वो जो कबड्डी का मैच आज भी हमें याद आए कि जिनकी एम्पायरिंग है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी। आगे बढ़िए, ये सारे पंजीकृत खिलाड़ी ये जोश ये जुनून इस खेल में तब्दील होगा और वो खेल इस जालौर जिले का नाम पूरे राजस्थान में करेगा, ऐसी हम सब कामना करते हैं। अतिथि महोदय से भी कामना आग्रह करते हैं कि इनको शुभ आशीष दें, ये खिलाड़ी जालौर जिले का नाम रोशन करेंगे। पूरी टीम पूछते रहे, सारे के सारे खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन जो धूप में बैठे हैं उधर खिलाड़ी वो भी जहाँ छाया है उस छाया में आ जाइए। कोई भी खिलाड़ी और जो बढ़िया उसका रिजल्ट आया उसके सामने है तो 2022 के उस ओलंपिक खेलों के क्या क्या कार्यक्रम रहे स्क्रीन पे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का जैसे कि आज एक नए और खुशहाली बढ़ाने का अवसर है, हम सब प्रदेशवासी मिलकर प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने वाले इस आयोजन में शामिल हो और एक उत्सव की तरह इन खेलों को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट हो रहे हैं जिसके आज के इस उद्घाटन का महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की छात्र अतिथि हमारे बीच में है, आपका एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए प्रस्तुत है चक दे इंडिया।
फलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, की प्रस्तुति इन्होंने दी। ये थी योगा नृत्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौर के छात्र छात्र अनु संग
पर बहन प्रियंका जी को Thank you.
और कहां से लाऊं तारीफ का अंदाज। बहुत ही महत्वपूर्ण शहरी ओलंपिक के हमारे जिले की 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष भाई गवरलाल मेघवाल जी, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल जी, जिला कलेक्टर साहब, एसपी मैडम, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, क्रीड़ा परिषद के हमारे सभी सदस्यगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सामने विराजे हुए हमारे जो आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आज के इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, आज इनके खेलों में जिस तरह से आपने देखा कि हमारे बड़े माताएं बहने, एक तो मैं देख रहा था कि बिल्कुल ही जिनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 75 साल, वो भी माता जी हमारे सबसे आगे मार्च पास्ट में चल रही थी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह का जो माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्पना की कि हम सब बोल मिलकर, आपने देखा होगा ग्रामीण ओलंपिक का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पूरा हुआ था, उसी को देखते हुए शहरी और ग्रामीण को आज के इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया। सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों में आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को, जो खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के अंदर जिस तरह का उत्साह जो देखने को मिलता है, मैं समझता हूं कि हमारे सीओ साहब ने बहुत ही विस्तार से इसकी रूपरेखा के बारे में आपके समक्ष रखा। मैं समझता हूं कि इन खेलों से प्रतिभाओं को जो बाहर आने का अवसर मिलेगा, उसका जो कार्यक्रम अभी उनकी बालिकाओं ने और बच्चों ने जो कार्यक्रम पेश किया, मैं समझता हूं कि किसी भी इंटरनेशनल स्कूल जो है उसके बराबर महात्मा गांधी स्कूल यहाँ उपस्थित हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मजहब के आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग खेलों खेल में आपस में खेलेंगे। मैं समझता हूँ कि खेलों की इस महाकुंभ में आप सब लोग आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रदेश लेवल तक, जिस तरह से पहले भी बताया गया कि प्रदेश लेवल तक हमारी कबड्डी की टीम आई, मैं एक बार जब हमारे राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में भी जा रहे थे, तो उस समय भी जब कुछ ग्रामीण खेलों का प्रदर्शन करने के लिए जब बुलाया गया, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जालौर का भी एक टीम, जालौर की भी उसमें शामिल थी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ पर देखकर कि हमारे जिले की एक टीम एक प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से हमारे माताएं बहनें जिस उत्साह से आई है, मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत ही अच्छा खेलेगी। और मैं आप सब लोगों को और आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम, राज्य सरकार की योजना, बजट योजना 2023-24 की अनुपालना में क्लस्टर स्तर पर आयोजित राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2023 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ में हमें इस उद्घाटन की घोषणा हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा विधिवत रूप से कर दी गई है और इसी हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान निशान। आज क्योंकि पिछली बार की यादों में एकदम से खो गए हम सब लोग वीडियो देख करके जो पिछली बार, और जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी कहा कि पिछली बार जिस तरह से जालौर की यादें क्रिएट हुई और वो अभी भी हमारे जहन में ताज़ा हैं, तो आज इस 2023 के राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है और इसी समय सभी 306 ग्राम पंचायतों में और सभी नगरीय निकायों में भी इसका उद्घाटन हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय
श्रीमान पुखराज बाराशाह जी, अध्यक्ष जनभियोग निराकरण समिति राजस्थान सरकार, नव नियुक्त उपाध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, प्रतिनिधिगण, क्रीड़ा परिषद के मेंबर्स, पार्षदगण, समस्त अधिकारीगण, एसपी साहब, हमारे सीईओ साहब, एडीएम, नव नियुक्त एडीएम साहब, एसडीएम साहब, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी शिक्षा विभाग की पूरी टीम, नगर परिषद क्योंकि शहरी ओलंपिक का आज है उद्घाटन, पंचायत समिति की टीम, खेल विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सारे पीटीआई, सारे शिक्षक और सारे प्यारे प्यारे खिलाड़ी, और जिन्होंने आज सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दी, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मैं जिला प्रशासन की ओर से और सभी पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ विशेष रूप से आपसे कि जो वीडियो आपने दिखाया और जिस तरह का उत्साह आपने आज भी दिखाया है, अब 5 से 10 तक ग्राम पंचायत स्तरीय और नगर पालिका स्तरीय, 17 से लेकर के ब्लॉक स्तरीय और उसके बाद जिला स्तरीय में भी वही उत्साह और वो जज्बा बरकरार रहे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। उन्हें सीधे महिला वर्ग के गेम का आप उद्घाटन कर रहे हैं और उसके बाद अनवरत रूप से ये खेल इसी मैदान पर जारी रहेंगे जो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 के तहत, जिसका उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पुखराज जी साहब ने किया। और महिला वर्ग के हमारे जो टीम आईडी वर्ग के 11-19 वर्सेस 760 इस मैच का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है। तमाम खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय। एक बहुत ही बढ़िया जो माहौल बना है खेलों का द्वारा की गई और तमाम इस कार्यक्रम में जितने भी अधिकारी पहुंचे हैं, हमारे तमाम नगर परिषद जालौर के तमाम पदाधिकारी, तमाम शिक्षक ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय साहब का, भवनलाल जी मेघवाल, इस कार्यक्रम में आए जिला क्रीड़ा परिषद के सदस्य श्रीमान योगेंद्र जी कुंभावत, सुष्मिता जी गर्ग, दलपत सिंह जी आर्य, सरोज चौधरी, भाई छगन आर्य, महेंद्र सोनगरा, तमाम लोगों ने, प्रतिपक्ष नगर परिषद के नेता भाई बसंत सुधार और तमाम जितने भी जालौर के गणमान्य नागरिकों ने आकर के इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है। ये आईडी नंबर है इनके, ये पूरा क्लस्टर अर्जुन सिंह जी देवरी, हीरा लाल जी और इस खेल का उद्घाटन विधिवत रूप से बीच मैदान में तमाम खिलाड़ी और तमाम हमारे पदाधिकारी आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय पोखराज जी बारह साहब, और ये शुभारंभ हो चुका है। शुभारंभ पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए तमाम। आज के शुभारंभ कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।